साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। भाई कुवैत से बहुत ज़्यादा मैसेज कॉल भी आ रहे थे, हमारे राजस्थान के लोग भी हैं और भी स्टेटों के बहुत सारे लोग हैं। कुवैत में फ़्लाइटें सबसे कम जा रही हैं, रजिस्ट्रेशन बंद हो गए। वहाँ की गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छे समाधान किए थे, भाई इलीगल हो आप कैसे भी हो हम आपको टिकट देंगे, आप अपनी कंट्री पहुँचो। उसके बावजूद भी शिकायत आ रही थी कि गवर्नमेंट हमें फ़्लाइट्स के द्वारा रिश्यू नहीं कर रही है, हम यहाँ पे मर रहे हैं, हमें प्रॉब्लम वगैरह वगैरह। तो भाई फ़्लाइटों का शेड्यूल अभी खूब है कुवैत के लिए, तो भाई जितना मर्जी पहुँच जाओ। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनका सबका मेरे हिसाब से नंबर काफ़ी लोगों का आ जाएगा इसी 13 तारीख से पहले मुझे नहीं लगता कोई बच पाएगा। हम आज फ्लाइट की बात करेंगे साथियों, 28 मई से लेके 7 जून तक 15 फ्लाइटों का शेड्यूल है, 14 फ्लाइटों का शेड्यूल है, उससे रिलेटेड बात करूंगा। इसमें इंडिया में कहां कहां फ्लाइटें आने वाली हैं, वहां से कब कब पहुंचेंगी, कौन सी जगह से, वीडियो पूरा देखिएगा। हो सकता है आपके काम का हो, आपका टिकट में नंबर आए, एम्बेसी की तरफ से कॉल आए, तो भाई तैयार रहना है टिकट का, पैसों का जुगाड़ करके, 7 दिन पैसों क्वारंटाइन का, पैसों का भी जुगाड़ करके। आपके पास जैसे कॉल आएगा तो आपको हाँ में मिलानी पड़ेगी, अगर हाँ में नहीं मिलाओगे तो भाई टिकट आपकी कैंसिल हो सकती है, क्योंकि शर्तें तो उनकी चलेंगी ना जो एम्बेसी आपको बोलेगी। तो तैयार रहिए, टिकटों के बारे में बता देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा, वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज जरूर लाइक कर लें, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्लाइट अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं भाई, कुवैत से फ़्लाइट निकलेगी जो 28 मई को वहाँ से 11:20 पे जो केरला के लिए है, इसमें बता दूं मैं, त्रिवंद्रम के लिए जो रात को पहुँचेगी, 19:177 यात्री इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट फ्लाइट साथियों कुवैत से गुजरात अहमदाबाद के लिए है, ठीक है, ये 1 जून का रहेगा, इसमें 18:20 पे पहुँचेगी, 149 आदमी इसमें पहुँचेंगे। थर्ड फ्लाइट साथियों कुवैत से यह केरला के लिए कोचिकोड़े के लिए 23 पहुँचेगी, 29 मई को 177 यात्री पहुँचेंगे। आगे बात करें फोर्थ फ्लाइट की साथियों, ये भी कुवैत से केरला के लिए है, कन्नूर के लिए, जी हाँ साथियों, इसमें भी 20 रात को पहुँचेगी, 177 यात्री हैं। फोर्थ फ्लाइट साथियों राजस्थान के लिए है, मैं बता दूं आपको, राजस्थान जयपुर के लिए कुवैत से, जी हाँ साथियों 31 मई की फ़्लाइट है ये, तो भाई तैयार हो जाओ राजस्थान वालों, 149 लोग राजस्थान पहुँचेंगे। आगे बात करें साथियों, 6 नंबर पे कुवैत से है केरला के लिए, जी हाँ साथियों ये 1 जनवरी का फ्लाइट, 1 जून का फ्लाइट है जो त्रिवंद्रम के लिए है, और बता दूं 19 पहुंचेगा, 177 यात्री इसमें पहुंचेंगे, जी हाँ साथियों। आगे बात करूं साथियों, 2 जून को एक फ्लाइट है फिर आपका कुवैत से केरला के लिए, कोची के लिए, जी हाँ साथियों 177 यात्री इसमें पहुँचेंगे। आगे बात करें साथियों, 2 के बाद 3 को नहीं है, 4 जून को एक फ्लाइट है, ये है दिल्ली, कुवैत से दिल्ली के लिए है, 18:20 पे पहुंचेगा, 149 आदमी इसमें यात्री पहुंचेंगे। आगे बात करें साथियों, कुवैत से केरला के लिए कोचिकोड़े के लिए फ़्लाइट है जो 23 4 जून को रात को पहुंचेगी, 177 यात्री इसमें आएंगे। आगे बात करें साथियों, कुवैत से दिल्ली के लिए फिर फ़्लाइट है 5 जुलाई की, जी हां साथियों 5 जून की, तो इसमें 22:30 पे टाइम पहुँचेगी, 149 आदमी इसमें पहुँचेंगे। आगे बात करें साथियों, इसमें फिर एक फ़्लाइट है, बता दूं आपको, 6 जून को यह रहेगी आपके उड़ीसा, कुवैत से उड़ीसा के लिए है, जो भुवनेश्वर के लिए है, जो 6 जून की यह फ़्लाइट है, ये पहुंचेगी 21:20 पे, 149 लोग इसमें पहुंचेंगे, जी हाँ साथियों फ्लाइट 6 जनवरी के बीच में और है, मैं बता दूं बिहार गया, जी हाँ साथियों गया, पहले दिल्ली आएगी, दिल्ली से फिर गया जाएगी, शेड्यूल फ्लाइट है 2 स्टेटों की एक साथ में, 149 लोग पहुंचेंगे। आगे एक फ़्लाइट दिल्ली से भी है साथियों, उसमें फिर एक फ़्लाइट है दिल्ली से जो 6 जून को ही है, 18:20 पे, 149 आदमी इसमें पहुँचेंगे। आगे एक फ़्लाइट है साथियों यूपी के लिए, कुवैत से यूपी लखनऊ के लिए फ़्लाइट है, ये 7 जून की रहेगी, 19 आदमी इसमें पहुंचेंगे, 149 आदमी। फिर साथियों बता दूं आपको, बस साथियों फ़्लाइटों का शेड्यूल यही है, मैंने आपको पूरा बता दिया, स्क्रीन पे भी आप साथ में आप देख रहे ना, ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए स्टेट सब कुछ, टाइम वगैरह, कितने यात्री पहुँचेंगे, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। अब आपके जिनके किस्मत जल्दी हैं उनको भाई एम्बेसी की तरफ से कॉल आ गया होगा या आ जाएगा, जैसे कॉल आएगा तैयारी करके तैयार बैठें, ताकि जैसे फ़्लाइट आए भाई इंडिया पहुँच जाना। 7 दिन आपको क्वारंटाइन रखा जाएगा, 14 दिन को घटा के 7 दिन कर दिया गया, आप सबको पता होगा इस बात का, 7 दिन का पैसा आप लगेगा, आपका लगेगा, उसके बाद आपको घर भेज दिया जाएगा, जिसके बीमारी नहीं होगी, कोरोना सिम्टम नहीं आएंगे उसको घर भेज दिया जाएगा, जिनके आते हैं कोरोना सिम्टम उनको हॉस्पिटल के लिए रवानगी कर दी जाएगी। तो बस आज की अपडेट ये साथियों, आगे जैसे कोई अपडेट आती है कुवैत से रिलेटेड हम बात करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखें, ताकि जैसे वीडियो डालूं नोटिफिकेशन पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।